डॉक्टर क्यूरी, आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन स्केड्यूल इन इंडिया, मतलब भारत में कौन सी वैक्सीन कब लगती है उसका पूरा स्केड्यूल। अभी बहुत सारी वैक्सीन आ गई है तो पेरेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि इसके बाद ये वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन कब लगानी है, तो उस हिसाब से वैक्सीनेशन स्केड्यूल समझना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन चार्ट में रीड कैसे करना है वो भी ज़रूरी है, तो वो समझते हैं इस वीडियो में। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। वेलकम टू बचपन किड्स क्लिनिक एजुकेशनल सीरीज। भारत में वैक्सीनेशन स्केड्यूल जो है वो IAP रिकमेंडेड है, मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंडेड है। ये हर 2-3 साल में अपडेट होता रहता है, तो उस हिसाब से जिस तरह से नई बीमारी आएगी वैसे नई वैक्सीन्स भी ऐड होती है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं वो अपडेटेड लेटेस्ट वैक्सीनेशन स्केड्यूल है। चलिए समझते हैं वैक्सीनेशन चार्ट को कैसे समझना है। अगर आप वैक्सीनेशन स्केड्यूल आपके फाइल में देखें तो उसमें एक तरफ लिखा होगा एज, मतलब जिस उम्र में आपको बच्चे को वैक्सीन देनी है, उसके बाद लिखी होगी वैक्सीन जो उस उम्र में देनी है, उसके बाद लिखा होगा ड्यू ऑन, मतलब जब भी वैक्सीन रखने की डेट है, जब वैक्सीन ड्यू है, इस तारीख को वैक्सीन रखनी है अपने को। उसके बाद आएगा डेट गिवन, मतलब इस तारीख को आपने रखी है। यूजुअली जब आप रखवाने जाओगे तो जो वैक्सीन डॉक्टर ने रखी वो यहाँ लिखेंगे और नेक्स्ट वैक्सीन जो है वो ड्यू में लिख देंगे। उसके बाद यूजुअली एक रिमार्क्स का बॉक्स होता है, इसमें अगर कोई वैक्सीन से बच्चे को रिएक्शन आया है तो वो मेंशन किया होता है, ताकि अगर वही वैक्सीन आप रिपीटली, अगर किसी से वैक्सीन से रिएक्शन आया है तो वो आपको फिर से नहीं देगी। तो जन्म के समय की वैक्सीन 3 होती है। एक होती है BCG जो TB की वैक्सीन है, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है हमारे न्यूबॉर्न वैक्सीनेशन स्केड्यूल के वीडियो में। दूसरी होती है पोलियो की वैक्सीन, जो ओरल पोलियो होता है उस टाइम पे, और वो ओरली दी जाएगी। और तीसरी होती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। ये तीनों वैक्सीन आपको बर्थ के समय हो सके उतना जल्दी लगा देनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वैक्सीन आता है 6 हफ्तों पे। तो 6 हफ्तों पे जो वैक्सीन आती है उसमें आती है DPT। DPT मतलब डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। डिप्थेरिया मतलब एक गंभीर बीमारी है जिसमें गले में मेम्ब्रेन हो जाता है, ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, जिसमें बहुत खांसी होती है, उसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं। और टिटेनस मतलब जो आप टिटेनस का यूजुअल इंजेक्शन लगाते हो। तो ये तीनों कंबाइंड को DPT, पहले इसको त्रिगुणी के नाम पे भी बोला जाता था, अभी इसमें एडिशन हो गया है HIB। HIV जो है वो एक बैक्टीरियल बीमारी है जिससे न्यूमोनिया और मेनिनजाइटिस हो सकता है, और उसमें एक और ऐड हो गई हेपेटाइटिस बी। तो अगर ये सारी कंबाइंड होगी तो उसको बोलेंगे 5 वैक्सीन साथ में होगी, तो ये 5 कंबाइंड भी हो सकती है। और अगर इसमें IPV ऐड कर दिया तो 6 एक साथ होगी, तो वो 6 कंबाइंड हो सकती है। तो टोटल कितना हुआ, DPT 3 वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, HIV ये 5, और एडिशनल अगर IPV होगा तो 6। तो ये 5 वैक्सीन भी हो सकती है और ये 6 वैक्सीन भी कंबाइन हो सकती है। अगर आप 5 वाला ले रहे हो तो आपको अलग से IPV का इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है। इसके सिवाय इसी टाइम पे न्यूमोनिया की और रोटा वायरस की वैक्सीन भी लगती है। तो ये 5 का या 6 का आप इंजेक्शन लगवाना है, उसके सिवाय आपको न्यूमोनिया का एक और इंजेक्शन लगाना है, उसको न्यूमोकोकल की वैक्सीन बोलते हैं, वो भी इंजेक्शन के फॉर्म में होती है। और दूसरा एक रोटा वायरस जो ओरली देना है, जो मुंह से देना है, ये 6 हफ्तों पे सब देना है। ठीक है, जो रोटा वायरस और न्यूमोनिया की वैक्सीन है उसके बारे में डिटेल्ड हम अलग से वीडियो रखने वाले हैं, वो आप अब हमारी चैनल पे देख सकते हो। नेक्स्ट वैक्सीन आती है 10 हफ्तों पे, मतलब 2.5 महीने के करीब। इसमें फिर से जो सेकेंड डोज ऑफ DPT, इंजेक्टेबल पोलियो और HIV, ये दोनों, ये चारों लगाने हैं। और इसका कंबाइंड भी वैक्सीन हो सकता है या इंडिविजुअली भी ये लगा सकते हैं। इसके सिवाय आपको रोटा वायरस और न्यूमोनिया का सेकेंड डोज देना है 2.5 मंथ्स पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपको 14 वीक्स पे या 3.5 मंथ्स पे, यही चीज़ जो 10 हफ्ते पे थी वो पूरा रिपीट डोज होगा, तो यही चीज़ रिपीट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 6 मंथ्स पे। 6 मंथ्स पे आपको ओरल पोलियो, अभी तक आपने ओरल पोलियो का एक डोज दिया था बर्थ के टाइम पे, उसे 0 डोज बोलते हैं, और 6 मंथ्स पे आपको ओरल पोलियो का फर्स्ट डोज देना है।
बाकी बीच में जो थे वो आपके इंजेक्टेबल पोलियो के डोजेस थे। तो 6 मंथ्स पे ओरल पोलियो का फर्स्ट डोज और हिपेटाइटिस बी का थर्ड डोज जो अभी बाकी था वो लगाना है। अगर आप स्वाइन फ्लू के सीजन में हो या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आजू बाजू स्वाइन फ्लू के केसेस है तो 6 महीने के बाद बच्चे को स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगा सकते हैं। ये इसके बारे में पूरा स्वाइन फ्लू के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आता है 9 महीने पे जो ओरल पोलियो का आपने फर्स्ट डोज 6 महीने पे दिया है उसका अभी सेकेंड डोज आएगा और एक वैक्सीन आती है MMR मतलब मीजल्स मम्स और रूबेला, ये तीनों की कंबाइंड वैक्सीन आती है जो सबक्यूटेनियसली दी जाती है। इसके बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो MMR के बारे में हमने बनाया है। ये इसका फर्स्ट डोज लगेगा 9 मंथ्स पे। उसके बाद वैक्सीनेशन आती है 9 to 12 मंथ्स के बीच में आपको लगानी है। जैसे ये आपने फर्स्ट टाइम 9 मंथ्स में लगाया तो आप 10 महीने पे या 11 महीने पे टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन लगानी है। टाइफॉइड के बारे में सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा बुखार आता है, पेट का इन्फेक्शन होता है और बाहर के खाना खाने से हो सकता है, तो ये वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आती है 12 महीने पे मतलब साल भर पे वैक्सीन, उसका नाम है हिपेटाइटिस ए वैक्सीन। इसमें जॉन्डिस होता है और ये एक लीवर की बीमारी है, अगेन खाने पीने से होती है, इसको भी इससे भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। नेक्स्ट वैक्सीन आती है 15 महीने पे। इसमें आपने जो 9 मंथ्स पे MMR का फर्स्ट डोज दिया है उसका सेकेंड डोज आ जाएगा। उसके सिवाय चिकन पॉक्स का फर्स्ट डोज अभी देना है और न्यूमोकोकल जो वैक्सीन हमने दी थी 1.5 और 3.5 महीने पे उसका बूस्टर ये 15 महीने पे आ जाएगा। उसके बाद की वैक्सीन है 16 से 18 महीने पे। उसमें आपको जो DPT, IPV और HIB जो हमने 1.5 और 3.5 महीने पे दी थी उसी का बूस्टर फॉर्म अभी 16 से 18 महीने के बीच में रखवाना है। 18 महीने पे हिपेटाइटिस ए का सेकेंड डोज आएगा। उसके बाद 2 साल पे टाइफॉइड का अगेन एक बूस्टर आएगा। उसमें अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वैक्सीन आपने कौन सी टाइप की वैक्सीन दी है उस हिसाब से होगा। अगर आपने कॉन्जुगेट वैक्सीन दी है तो आपको 2 साल के बाद अभी नहीं देनी है वैक्सीन, और अगर आपने पॉलीसेक्राइड वैक्सीन दी है तो every 3 ईयरली आपको वैक्सीनेशन टाइफॉइड का रिपीट कराना पड़ता है। इसके बाद आपको 5 साल पे DPT, OPV, MMR और चिकन पॉक्स इतनी वैक्सीन आएगी। इसके बाद आपका वैक्सीनेशन डायरेक्टली 10 साल पे आएगा। इसमें आएगा TDAP, ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस कंपोनेंट है इसमें, या TD, ये आपको टिटेनस और डिफ्थेरिया से बचाता है। इसमें इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है अगर 9 ईयर्स से ऊपर का बच्चा है, खास करके लड़कियों में 9 ईयर्स के बाद आपको गर्भाशय के कैंसर की रस्सी के बारे में समझना है। वो रस्सी का नाम है HPV वैक्सीन। इसमें 2 ब्रांड्स अवेलेबल होती है और इसका डोज स्केड्यूल होता है अभी 1-0 मंथ्स पे, फिर 2 महीने पे और 6 महीने पे। तो ये याद से लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर से बचाने वाली रस्सी है। Thank you.